गर्मी के मौसम में बढ़ रही आग की घटनाओं को लेकर फायर विभाग अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाने जा रहा है। 14 से 20 अप्रैल तक मनाए जाने वाले अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह में शहर देहात में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान लोगों को आग से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इस संबंध में CFO देवेंद्र कुमार सिंह ने बैठक कर दिशा निर्देश दिए। गर्मी की तपेश से आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। आग की रोकथाम के लिए फायर विभाग अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है। इस संबंध में CFO देवेंद्र कुमार सिंह ने गुरुवार को ईदगाह फायर स्टेशन पर अधीनस्थों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए हैं। CFO का कहना था कि फायर सीजन में आगरा की घटनाओं का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, इस वजह से लोगों को आग के बचाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। जनपद आगरा के सभी प्रभारी स्टेशन अफसर जितने हैं अधिकारी, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग तो हमेशा चलती रहती है, लेकिन इस बार मीटिंग कई चीज़ों को दृष्टि के एक साथ बुलाई गई है। इस समय तो एक तो फायर सीजन चल रहा है, इस समय टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है, अग्निकांड की सूचनाएं बहुत आ रही हैं उसके संबंध में। दूसरा है कि मुख्यालय द्वारा प्रचार प्रसार कि आग न लगने पाए इसके लिए क्या सावधानी बरतनी है, और आग लग जाती है तो क्या उपाय कर रहे हैं उसके संबंध में। और एक सप्ताह जो अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, हम लोग का ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है कि इसमें हम लोग एक जागरूकता अभियान बहुत बृहद स्तर पर चलाते हैं, जो साल भर चलाते रहते हैं। फायर विभाग 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाने जा रहा है। अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह में शहर देहात में बहुमंजिला इमारत इंडस्ट्रीज के साथ अन्य प्रतिष्ठानों में आग की रोकथाम के टिप्स दिए जाएंगे। इसके साथ ही शहर और ग्रामीण अंचल के लिए अलग अलग तरीके के पैम्फलेट पोस्टर वितरित कर प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस दौरान चौपाल लगाकर आग लगने पर बुझाने के भी तरीके सिखाए जाएंगे। सभी FSO FSSO को प्रचार प्रसार के लिए सामग्री वितरित कर दी गई है। उसके अतिरिक्त इसमें काफी जोर दे के इसमें सभी अफसर फील्ड में निकलते हैं, तो इसमें 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हम लोग का जो सुरक्षा सप्ताह मनाया जाना है, इसमें प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम है, रैली निकाली जानी है, और शहर के जितने शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पे जाके बच्चों को भी जागरूक करना है। वहाँ पे निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला के माध्यम से जितने मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें हैं वहाँ पे उनको आग से सावधानी के बारे में जागरूक करना है, और आग लग जाए तो क्या कार्रवाई करके अपने को सुरक्षित बचाएँ और कैसे विभाग को इन्फॉर्म करें। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया में और जितने मल्टीप्लेक्स मॉल हैं सब जगह एक अभियान चलाना है, और जो शहर के भीड़ भाड़ इलाके हैं वहाँ पे भी पब्लिक को इकट्ठा करके उनको बताना है। नवरात्रों में धार्मिक आयोजनों के लिए पंडाल लगाए जाते हैं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव होने पर फायर विभाग ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ आग बुझाने के उपकरणों को दुरुस्त कर लिया है। सरकारी महकमों में अवकाश रहता है, लेकिन फायर विभाग हर समय जनता की सेवा में तत्पर रहता है। होली, दीपावली, रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर कार्यालय बंद रहते हैं, लेकिन फायर विभाग की जिम्मेदारी इस तरह के त्योहारों पर और भी बढ़ जाती है। ईदगाह फायर स्टेशन पर हुई बैठक में CFO देवेंद्र कुमार सिंह के साथ FSO संजय प्ले, सोम दत्त, FSO शास्त्रीपुरम अमर सिंह पाल, ताजनगरी FSSO अमर सिंह, ईदगाह के FSSO सागर गुप्ता, FSSO बहाविनय कुमार, FSSO बरहन सुमित संबर मौजूद रहे। CNews के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल CNews के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।